नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जब साधक साधना शुरू करता है तो उसे बहुत अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को मैं डिस्कस करता हूँ। तो स्वागत है आपका चैनल में आत्मा से परमात्मा तक का सफर। जब साधक साधना शुरू करता है तो नए साधकों को शरीर में झुनझुनाहट सी महसूस होती है, जिसे वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, या शरीर में खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है अलग अलग जगह पे, और कभी कभी साधक को ध्यान करते टाइम ठंडी हवा या गर्म हवा महसूस होती है और ऐसे लगता है शरीर के ऊपर कहीं कीड़ा रेंग रहा है। तो इस तरह के कई चीजों को वो महसूस करता है। तो ऐसा क्या होता है जिसमें उसको इस तरह के अनुभव होते हैं या वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है? तो इसका मेन जो काम होता है, जब भी साधक ध्यान में उतरता है तो वो इस शारीरिक ऊर्जा से परे हो जाता है, इस शरीर से परे हो जाता है और आंतरिक दुनिया में प्रवेश लेने की कोशिश करता है। और उसके लिए ध्यान में जाकर उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे प्राण शरीर भी कह सकते हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर है, जब उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, इस प्रभाव के कारण अलग अलग तरह की सेंसेशन फील होती हैं। जैसे जब आगे चक्र के सेंटर पॉइंट में वाइब्रेशन होती है, आप आगे चक्र पे ध्यान कर रहे हो और ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़कर इकट्ठी होकर आगे चक्र पर एकत्रित होती है, तब किसी किसी साधक को लगता है जैसे उसके माथे पे कोई कीड़ा आके चिपक गया है, बैठ गया है। तो वो वाइब्रेशन के कारण ऐसा हो रहा होता है। जैसे जीवात्मा, जैसे कभी कभी बहुत डर जाती है तो व्यक्ति ज़्यादा पानी पीने लगता है या ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसे घबराहट होने लगती है। तो वह उसके शरीर में नहीं होती, जो उसके अंदर जीवात्मा रह रही है वो ये चीज़ें फील करने लग जाती है। तब ऐसा होता है, ऐसे जब वो जीवात्मा खुशी को महसूस करती है और खुश हो जाती है तो ये बाहरी शरीर भी उसका खुश हो जाता है। जब आप ध्यान या मेडिटेशन की ओर या जप साधना की ओर आध्यात्मिक में कुछ भी करते हैं, तब वह आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगता है और नई ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और ऊर्जा जो इतने दिन की सोई हुई थी वो जागने लगती है। तब ऐसा अलग अलग अनुभव होते हैं। आगे चक्कर में जैसे वाइब्रेशन होना, कानों की क्षमता, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, दूर दूर की आवाज़ें भी सुनाई देने लग जाती हैं। नाभि चक्कर में जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, नाभि चक्र से जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है
वैसे वैसे धड़कने तेज होने लगती है, घबराहट भी होने लग जाती है, सर्दी लगने लग जाती है किसी साधक को, किसी को गर्मी लगने लग जाती है। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें साधक को अनुभव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, साधक अपनी साधना को धीरे धीरे बढ़ाता है और कुछ समय बीत जाता है, किसी को तो महीना, दो महीने, छः महीने, साल भी लग जाते हैं, डिपेंड है वो साधना में कितना अपने आप को कंसंट्रेट कर पाता है, उतनी जल्दी इन चीज़ों से निजात भी पा लेता है। वैसे वैसे वो ठीक हो जाता है, ध्यान में पूरी तरह से जब वो बैठता है तो पूरा एकाग्र हो जाता है। वाइब्रेशन जो शरीर में बढ़ती है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, तो उससे धीरे धीरे चक्कर भी जो बॉडी के अंदर 7 चक्कर हैं वो भी जागृत होने लग जाते हैं। वो जब जागृत होते हैं तब भी रीढ़ की हड्डी में भी इस तरह के स्पंदन पैदा होते हैं, या रीढ़ की हड्डी में कहीं कहीं हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है। तो ऐसे जब ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की तरफ बढ़ता है तब भी कभी कभी ऐसा होता है। जैसे जैसे समय बीत जाएगा, साधक पूरा अपने ध्यान को बढ़ाता रहेगा, वैसे वैसे उसे आवाज़ें बाहर की सुननी कम हो जाएंगी और अंदर की आवाज़ें उसे सुनने लग जाती है। आंतरिक आवाज़ जो वो सुनता है, फिर वो आनंदित हो जाता है, उसे आनंद आने लग जाता है, वो खुशी महसूस करता है, तो उसे अनहद नामी सुनाई देने लग जाता है और वो उस साउंड ऑफ यूनिवर्स को सुनने लग जाता है। बाहरी चीज़ों से कटकर आंतरिक में प्रवेश लेता है और धीरे धीरे आगे का जैसे जैसे स्तर बढ़ता रहेगा वो दसम द्वार में प्रकाश को महसूस करेगा, देखेगा और उसमें ही विलीन हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो सफ़र था, जो आपके इसमें प्रश्न थे, उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया है। अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें ताकि उनका आपको उत्तर मैं दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको शेयर कर दें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।